सो गाइस यहाँ हम लोग को अभी अभी एक डॉल्फिन दिखा। तो ये है हमारा बोट, अभी हम इसी बोट से ये ट्रिप करेंगे। और ये है सेलफिश, यहाँ पे है रेड क्रैब और ये है सेलफिश। Hey guys, welcome to the channel and welcome to another new vlog. तो अभी हम लोग निकले हैं चिल्का लेक साइट सीन करने के लिए और ये हमने जो गाड़ी बुक किया था वो आ गया है। फर्स्ट साइट सीन भी इसी कार में किए थे हम लोग, तो आज भी वही गाड़ी है। तो आप अगर पुरी में आ रहे हैं तो ये गाड़ी आप बुक कर सकते हैं, भैया बहुत ही अच्छे हैं। मैं भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, भैया का फ़ोन नंबर, तो आप उनसे भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जो है ना, ये मित्रा कैफ़े है, ये कोलकाता का बहुत ही पुराना और फेमस कैफ़े है। और उसके बाद ही ये है लाइट हाउस। अच्छा भैया, यहाँ पे मैंने सुना है कि एक ओल्ड लाइट हाउस है और क्या कुछ नया लाइट है? लाइट हाउस है क्या? यही एक लाइट हाउस है। अच्छा, तो यही लाइट हाउस है। मैंने इसीलिए कन्फर्म किया क्योंकि मैंने एक दो वीडियो में मैंने सुना था कि ओल्ड लाइट हाउस, तो ओल्ड लाइट हाउस अगर है तो न्यू लाइट हाउस तो कहीं ना कहीं होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं है, ये एक ही लाइट हाउस है। हम लोग अभी मेरीन ड्राइव बीच के ऊपर से जा रहे हैं चिल्का लेक की तरफ। सुबह को हम लोग श्री जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद का वीडियो बनाया था, तो आप चलते चलते वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये व्लॉग फिर कंटिन्यू होगा। तो ये है भगवान का प्रसाद, तो इसमें खीर है और ये मालपुआ है, ये भोग है और ये जो पूजा में देते हैं खाजा और संदेश है और एक चावल का पैकेट भी है। इसे ही मेन पूरी का जो प्रसाद इसे ही बोलते हैं। और ये भगवान को जो चढ़ाया गया है वो ये जो रूट होता है पूरी का विलेज का रोड है। अच्छा, इसी रोड में आधा होता है चावल, बीड़ी, मुगो, ये सब चावल और बीड़ी जो डोसा जिसमें बनता है। अच्छा वो बनता है और मूग होता है, मूग डाल ये सब बनता है। और आधा में चिल्का में झींगा बंगाली में ना झींगा एक सब्जी है, तो बहुत लोग को नहीं पता कि झींगा मतलब हिंदी में चिंगड़ी को भी झींगा कहते हैं, प्रॉन्स को, छोटे छोटे जो प्रॉन्स होते हैं ना उसको झींगा कहते हैं, तो बहुत लोगों को पता नहीं है। तो हम लोग अभी रास्ते में रुके हैं एक जगह पे ब्रेकफास्ट करने। मैंने तो सुबह को ब्रेकफास्ट किया था लेकिन अभी फिर से करूँगा क्योंकि वो बहुत सुबह को मैंने किया था, लेकिन अनन्या और पापा ने सुबह को ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी नहीं किया। तो यहाँ पे रोड में ही एक जगह पे एक ढाबा जैसा है, तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं, यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट अभी करेंगे। तो और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताता हूँ भाई कि ये जो रोड है ना, अभी दिखाता हूँ, ये जो रोड है जिस रोड से हम लोग अभी जा रहे हैं, इस रोड में रात के वक्त हाइना दिखते हैं, तो काफ़ी ख़तरनाक रोड लग रहा है। और हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए इस होटल पर रुके हैं। यहाँ पर आलू चॉप दिख रहा है, वड़ा दिख रहा है, इस तरफ इडली भी है, यहाँ पे सब्जी है, इस तरफ डोसा समोसा सब है। तो ब्रेकफास्ट में अनन्या ने ये क्या, प्लेन डोसा और ये रसगुल्ला है यहाँ का, यहाँ है आलू चॉप, दो आलू चॉप है, ये जो ये दोनों आलू चॉप है और ये है मीठा पुलुड़ी, और पापा ने यहाँ पूरी सब्जी ऑर्डर किया है। तो अभी तो ब्रेकफास्ट हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं सीधा चिल्का लेक। सीधा चिल्का लेक ही जाएंगे ना अभी? जी, तो अभी हम लोग सीधा चिल्का लेक जाएंगे। तो भैया यहाँ से चिल्का लेक कितना दूर है? 60 किलोमीटर। तो यहाँ से चिल्का लेक ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर बोले तो अभी 2 से 2.5 घंटे, 2 घंटे के, 1.5 घंटा, 1.5 घंटे। चिल्का लेक का शुरुआत हो जाता है और यहाँ पे आप जो पानी भर के देख रहे हैं, यहाँ पे झींगा का खेती होता है। ये ज्वार, जब भी समंदर में ज्वार आता है तो वो पानी यहाँ भर जाता है, सुबह के टाइम एक टाइम में आता है और
शाम को एक टाइम में ज्वार आता है तो दोनों टाइम में यहाँ पानी भर जाता है। अभी थोड़ा कम है क्योंकि अभी ज्वार आके चला गया है और धूप भी निकला हुआ है, फिर शाम को आएगा पानी यहाँ पे समंदर से जब ज्वार आएगा। लोगों को एक बोट लेके जाना होगा। अच्छा, और एक बच्ची है वो 2 साल की है। यहाँ पे एक फैमिली वाला बोट लेके जाना। अच्छा, और ये रेट ये फैमिली वाला बोट का रेट है। तो रूट 1 है डॉल्फिन रेड क्रैब जो 3 घंटे का है 4,050 रुपये, और रूट 2 जो है डॉल्फिन रेड क्रैब एंड सी बीच आइलैंड वो 4 घंटे का है जो 4,550 रुपये का है। बोट कैपेसिटी 6 adults + 2। अच्छा, 1 family 1 boat, शेयर सिस्टम नॉट अलाउड। पहले यहाँ पे प्राइवेट बोटिंग अलाउड था पर अम्फान के बाद यहाँ पे सब बंद हो चुका है और अभी जो है उड़ीसा गवर्नमेंट के अंडर जो है वही बोटिंग आपको लेना है। तो मैं लाइफ जैकेट पहन के अभी रेडी हूँ। तो हम लोग प्राइवेट कार लेके आए थे तो एक फैमिली बोट लेना पड़ा जो आपने सुनाई है कितना प्राइस लिया 4,550। तो यहाँ पे सिर्फ जीपे और फोन पे है और बाकी कुछ पेमेंट नहीं है और कैश दे सकते हैं आप। तो ये है हमारा बोट, अभी हम इसी बोट से ये ट्रिप करेंगे। तो हमारा बोट चालू हो चुका है और ये हम लोगों ने स्टार्ट किया है। 4 घंटे का होगा हमारा ये टूर। तो वो था हमारा बोर्डिंग पॉइंट और वहाँ से हम लोग चढ़े थे बोट पे। तो गाइस, मैं गाड़ी में बैग छोड़ के आ गया था और अभी एक बोट के थ्रू वो बैग यहाँ पे आ रहा है। थैंक यू भैया। तो ये आ गया मेरा बैग, इसमें कैमरा बैटरी सब कुछ इसी में है। पानी ज़्यादा हो गया ना, इधर देखने के लिए मिलेगा नहीं, इसलिए एक ट्रे में रखा है 7-8 AC रखा है सारा टूरिस्ट की देखने के लिए। अच्छा अच्छा। और ये है सेलफिश, यहाँ पे है रेड क्रैब और ये है सेलफिश। ये छोटा छोटा है, बड़ा भी होता है सेलफिश, देख लिया ना। तो इस आइलैंड में बेसिकली हम लोग रेड क्रैब देखने रुके थे क्योंकि ज्वार है तो इसीलिए पानी बहुत ऊपर तक आ गया है जिसके कारण रेड क्रैब अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बंदा था जिसने रेड क्रैब हमें दिखाया और इसके बाद हम लोग अभी, भैया हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं? तो गाइस, यहाँ हम लोग को अभी अभी एक डॉल्फिन दिखा और यही है डॉल्फिन पॉइंट। तो सो गाइस, हम लोग अभी पहुंच गए हैं आइलैंड यानी कि इस ट्रिप के सबसे आखिरी पॉइंट। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि यहां का एम्बियंस कैसा है। ये है हमारा नाव, इस नाव से हम लोग आए अभी, ठीक है। और उसके बाद यहां ये जो है ये सब खाने का दुकान है, जैसे मछली फ्राई हो गया, फिर केकड़ा फ्राई, प्रॉन्स फ्राई, ठीक है। ये यहाँ पर भी एक दुकान है, उस तरफ भी दुकान है और उस साइड भी दुकानें हैं। और यहाँ से अगर हम जाएँगे तो उस साइड समंदर मिलेगा। तो चलिए जाते हैं इस साइड और आपको दिखाता हूँ वो सामने सी बीच। ये रहा सी बीच। ये सी बीच, यहाँ पर लहरों की आवाज़ बहुत तेज़ है क्योंकि ये बहुत शांत जगह है। मैं यहाँ से लहरों की आवाज़ सुन पा रही हूँ। तो अभी इस जंगल से हम लोग निकले हैं। इस जंगल के इस पार समुद्र है और उस पार चिल्का लेक का आइलैंड है, जो ये पूरा ही आइलैंड है। तो हमारा नाव उस तरफ खड़ा हुआ है और हम लोग इस तरफ आए हैं सी बीच की तरफ। तो ये सामने है सी बीच, बहुत सुंदर शांत जगह। काफ़ी सुंदर जगह है लेकिन
तो अभी तो फिलहाल हम लोग इस आइलैंड से निकल आए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पे, और वहाँ से हम लोग चले जाएंगे सीधा पूरी।